आज हम आपको नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ बताएंगे। इंडिया ने एक ट्राई कलर फ्लैग अडॉप्ट किया था, और ये कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ये डेट्स अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए, आपको ऑब्वियसली ये आंसर करना है, क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे पास फ्लैग होगा, तभी तो उस फ्लैग के बेसिस पर हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो 22 जुलाई 1947 को हमारा फ्लैग अडॉप्ट किया। किसने अडॉप्ट किया? भारत की संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिस पर जिम्मेदारी थी संविधान बनाने की। अब हम फ्लैग के बारे में कुछ जानते हैं। अगर फ्लैग की बात करें तो वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के थ्रू रेगुलेट होता है। यानी कि आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्लैग का यूज़ नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अगर वो नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनको फॉलो करना ज़रूरी है। चलिए अब हम फ्लैग के बारे में कुछ समझते हैं। सबसे पहली बात, जब आप फ्लैग को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये ट्राई कलर है, और इसके टॉप पे सैफ्रन कलर है, जिसे हम ऑरेंज कलर के तौर पे भी जानते हैं, केसरिया रंग। सेंटर में देखेंगे तो वाइट कलर है, और सबसे नीचे अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर नज़र आता है। इस तरह से ये ट्राई कलर है। इसकी ये जो विड्थ है, ये इसकी लेंथ के कंपैरिजन में 2/3 है। इसका मतलब क्या होता है 2/3 का? मतलब सपोज़ कीजिए कि अगर इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी, सपोज़ कीजिए, तो उसका 2/3 कितना हुआ? 66 सेंटीमीटर। ओके, तो विड्थ 2/3 है किसकी? लेंथ की। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसके सेंटर में अगर आप बात करें तो आपको 24 स्पोक्स का एक चक्र नज़र आएगा। इसके बारे में बहुत से कंसेप्ट रहते हैं कि इसके 24 स्पोक्स क्यों हैं। आप सीधी बात समझिए, आपके पास ये जो 24 स्पोक्स का चक्र है, ये आम चक्र नहीं है, ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ धर्म चक्र परिवर्तन का चक्र है, जब उनका धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था। तो आज की ये बातें कि ये 24 आवर्स दिखाता है, 24 आवर्स आज की बात है, महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं। अशोका पीरियड की हम बात करेंगे, तब की बात करें तो सारनाथ में लाइन कैपिटल बनाया, तो तब की बात करें तो पहर के हिसाब से समाज चलता था, ऐसे 24 आवर वाला डे नहीं होता था। तो ये 24 स्पोक्स 25 क्यों नहीं है, 23 क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है कि ये महात्मा बुद्ध के जीवन जीने के 24 सिद्धांत हैं। ये 24 प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा बुद्धाज लाइफ हैं, जो उन्होंने सबको कहा कि आप इन 24 सिद्धांतों पर जीवन जिए। तो इसलिए 24 ही है, 23 नहीं है, 25 है। इसकी विड्थ उतनी होती है जितनी सेंट्रल स्ट्राइप की होती है, यानी कि इस वाइट लाइन की होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके तीन रंगों की, तो इसके अलग अलग कंसेप्ट लोग समझते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब हम केसरिया रंग की बात करते हैं, ये कलर ऑफ सेक्रीफाइस है, ये त्याग का रंग है, समाज त्याग से जीवन जीता है, ये इंडिया के कल्चर कस्टम मैनर को दिखाता है, योगियों का देश है, ऋषियों का देश है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, सोसाइटी में एक सेक्रीफाइस होना चाहिए दूसरों के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, निजी हित नहीं, जनहित में सोचें। मेरा रंग दे बसंती चोला, आपने गाना सुना होगा, भगत सिंह भी गाते, मतलब सेक्रीफाइस की तरफ जाना, त्याग। सफ़ेद रंग की बात करें, शांति का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है, शांतिमय ढंग से समाज चलना चाहिए। ग्रीन कलर की बात करें तो खेती बाड़ी का, एग्रेरियन सोसाइटी, हम एग्रीकल्चर सोसाइटी है, ग्रीन कलर एग्रीकल्चर से प्रतिबिंबित होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसके और भी कई मीनिंग निकलते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, कि केसरिया रंग हिंदुइज्म से, सफ़ेद कलर क्रिश्चियनिटी से, ग्रीन इस्लाम से, ये आप जितने मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन तीन रंग मैंने आपको बताए कि एक त्याग से, समर्पण से जुड़ा है, एक शांति से जुड़ा है, एक खेती बाड़ी से, विकास से, लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। इसमें ये जो डंडा आपको नज़र आ रहा है, इसका अपना पूरा महत्व है। ये देश की ये जो विविधता है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, इस डाइवर्सिटी में एकता का प्रमाण है, ये यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, हमारा फ्लैग डाइवर्सिटी को दिखाता है और ये यूनिटी का प्रमाण है। ठीक है, आज फ्लैग के बारे में यही जानकारी, हम इसी तरह के तथ्य लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।